तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से देख पाएंगे पेंडिंग नोटिफिकेशन। पेंडिंग नोटिफिकेशन मतलब या प्रीवियस नोटिफिकेशन, कि आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हैं, 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत दिन हो गए। आप उसको देखना है कि यार मेरे पास उस दिन, मतलब आज से 10 दिन पहले क्या नोटिफिकेशन आई थी इसके अंदर, या इस ऐप के अंदर नोटिफिकेशन क्या आई थी। आप नहीं देख पाते, पर मैं आपको एक हिडन फीचर बता रहा हूँ जिससे आप अपने मोबाइल में पुरानी नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। सारी ऐप्स की कहाँ मिलेगी, कैसे देखेंगे, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ हिडन टिप जिससे आप देख कर पाएंगे अपने मोबाइल में पुरानी नोटिफिकेशन को भी, कैसे दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए खोला है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइन्स दिख रही होंगी, जो कि मेरे वॉलपेपर के अंदर आपको दिख रही है। और जैसे ही मैं उस लाइन पर क्लिक करूँगा, उसको ऊपर की स्वाइप करूँगा, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही मैं अपना पासवर्ड डालूंगा वो पुरानी मेरी नोटिफिकेशंस खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी भी पुरानी मेरी नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। कितनी भी पुरानी हो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी पुरानी, यहाँ पर चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे व्हाट्सअप से रिलेटेड चाहिए, मेरे व्हाट्सअप से रिलेटेड कौन कौन सी नोटिफिकेशन पेंडिंग थी, मैंने मतलब कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई थी, सॉरी व्हाट्सअप की तरफ से नहीं आ रही है, मतलब कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आपके पास कौन कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगी। आप यहाँ पर इंस्टा के नाम से भी चेक कर सकते हैं कि इंस्टा में जो भी आई है वो आ जाए, व्हाट्सअप, ये सबको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और सब बाद में आप इजीली यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब ये आपको कैसे मिलेगी और अच्छे से इसको कैसे चेक करेंगे वो आपको बता दूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के यहाँ पर गुड लॉक वाली ऐप में चले जाना है। इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जाना है गुड लॉक वाली ऐप के अंदर। गुड लॉक वाली ऐप के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं एक ऐप मिलेगी जिसका नाम है नोटी स्टार वाली ऐप में। नोटी स्टार वाली ऐप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। आप यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, पुरानी पुरानी, और सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर सेव होती हुई दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी सारी मैं पुरानी भी देखूँगा तो भी यहाँ पर दिख जाएगा, कब आया था, क्या था, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, कितने बज के कितने मिनट पर आई हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। बहुत सारे दिनों तक की आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएगी। आप देख सकते हैं मतलब कंटिन्यू जाए जा रही है, आपके सामने में कितना नीचे जा रहा हूँ तब भी वो आपको दिखती जा रही है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब भी आप इसको ऑन कर देंगे उसके बाद सब वो वहाँ पर सेव हो जाएगी, और सबको आप बाद में पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा इंस्टा का, या आप यहाँ पर अपना एड ऑन भी कर सकते हैं कि मुझे अगर किसी को, जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि इंस्टा से रिलेटेड जो भी आएंगी वो सब यहाँ पर दिखे, व्हाट्सअप से रिलेटेड जो भी आएंगी वो सब इसके अंदर दिखे। अब इसको बनाना कैसा है, तो उसके लिए यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आप ऐप लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप लिस्ट की आपको चाहिए और किस किस की ऐप की नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर जिन ऐप की नोटिफिकेशन आपको लगता है वो सेफ नहीं हो तो आप यहाँ से उसको अनटिक कर दीजिए, और जिन नोटिफिकेशन को आपको चाहिए उन सबको यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आएगा यहाँ पर यूज़र फिल्टर, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम से लगा दिया। अब इंस्टाग्राम में मैंने यहाँ कीवर्ड भी लगा दिया इंस्टा, और एप्लीकेशन मैंने लगा दी यहाँ पर कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी आएंगी सब इसके अंदर दिखे। ऐसे ही अगर मुझे व्हाट्सअप पे, अगर व्हाट्सअप वाली चाहिए तो व्हाट्सअप पे गया, व्हाट्सअप पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पर व्हाट्सअप के एप्लीकेशन को यहाँ पर टिक कर देना है। तो अब क्या होगा, व्हाट्सअप से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो सब इस वाले फोल्डर में सेव हो जाएंगी, मतलब व्हाट्सअप वाले टैग में सेव हो जाएगी, और सब आप देख सकते हैं। और अगर आपको और कोई नोटिफिकेशन देखनी है, लाइक मुझे यहाँ पर चाहिए कि मेल से रिलेटेड जो भी आए वो एक अलग फोल्डर में हो जाए, तो मैंने यहाँ पर लिखा मेल, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन लिस्ट लगाया, एप्लीकेशन लिस्ट में से मैंने सबको अनटिक किया। अनटिक करने के बाद मुझे कौन सी मेल चाहिए, जैसे मेरा ईमेल वाला है, मुझे देखना है कि ईमेल के रिलेटेड कितने मेल आए थे, तो मैंने उसको टिक कर दिया। और जितने भी अब मेल होंगे ईमेल के अंदर, जो ऐप के अंदर आएंगे, सब मुझे यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे। तो या आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यूजिंग लॉक स्क्रीन में अगर आपको यूज़ करना है, नहीं करना, वो भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। स्टार्ट आइकन सेटिंग को भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसका कलर, जैसे वहाँ पर रेड आ रहा था, आप चाहें तो उसको कलर को आप, तो यहाँ पर आप उसका नोटिफिकेशन जो आइकन है उसका कलर को चेंज कर सकते हैं, उसको डार्क, कम, ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपको करना है वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको सिग्नलाइजेशन स्क्रीन लॉक भी मिल जाएगा। स्क्रीन लॉक के अंदर आप सिग्नलाइजेशन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन स्टोरेज लिमिट भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने लोन लिमिट डाल रखा है, मेरे पास तो हमेशा का डेटा ही सेव है, जब तक मैं चाहूँ यहाँ पर रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ। और आप यहाँ पर 7 डेज, 30 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर तक का भी डेटा को यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
आप सेव कर देंगे वो, और कंटिन्यू आपकी नोटिफिकेशन सेव रहेगी इतने टाइम तक। इसके अलावा और क्लियर नोटिफिकेशन के लिए भी आप यहाँ से ऑप्शन पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर भी होती रहेगी। बट मेन बात यह है कि हमें यार कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो हम यहाँ पर सबको चेक कर पाएंगे और सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कुछ नोटिफिकेशन। तो ये है कि हिडन टिप थी, मैंने इसलिए आपको बताई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पता थी कि नहीं थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको फटाफट नई ऐप की या फिर नई वीडियो के लिंक आपको फटाफट मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।